फ्रेंड्स, आज जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं, उसको पालते हैं, उससे जो है फूड मिलता है, जैसे मिल्क है, मीट है, और इसके अलावा लेदर भी मिलता है, तो उसको भी हम लोग पालते हैं, क्योंकि ये भी जो है फूड के आइटम में आते हैं, फूड के कंपोनेंट में ये आते हैं, जिसे प्रोटीन मिल्क से मिलता ही है। तो एनिमल हस्बेंड्री किसको कहेंगे? तो कहता है कि जानवरों को पालना लार्ज स्केल पे एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। तो इसको जो है डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल एट होम और इन फार्म इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जानवरों को घर पर भी लोग पालते हैं या फिर फार्म में भी पालते हैं, तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल्स आर reared animals are reared to get food products से जैसे हो गया उसका जो फूड हम लोग के लिए क्या है, मिल्क है, तो मिल्क से कर्ड भी बनता है, दही भी बनता है, स्वीट्स भी बनता है, इसलिए ये फूड प्रोडक्ट्स लिख दिए। तो फूड प्रोडक्ट्स लेदर ये तो फूड से हम लोग को ये सारे मिलता है, इसलिए देयरफॉर वी शुड गिव proper care shelter and fodder होता है पशु का जो खाना होता है, चारा जिसको कहते हैं उसको, है ना। तो We should give proper care, shelter and fodder to animals to get milk, meat and leather। तो ये लास्ट पॉइंट है एनिमल हस्बेंड्री का। तो इसमें यही चीज़ पढ़ना है कि क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, जिसमें सीरियल्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, जो फूड का आइटम है, फूड के जो है पार्ट है, तो उसके अलावा हम लोग जानवरों को भी पालते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, फूड जो है लेते हैं। वो फूड में जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, इसके अलावा जैसे फिश हो गया, तो फिश से भी हम लोग को, फिश क्या है, वो भी फूड है, क्योंकि उससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन मिलता है, और फिश के जो लीवर कॉर्ड ऑयल होता है उससे जो है उसका यूज करने से हम लोग को विटामिन डी भी मिलता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके बोन के लिए। तो ये जो हो गया एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये लास्ट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका लास्ट जो है टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री है।
तो इस अब जो है इस ये चैप्टर जो है अब ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट करेंगे और उसको फिर जो है रिपीट किया जाएगा, और नहीं तो नेक्स्ट डे से हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे।